और चलिए सीधा रुख करते हैं जयपुर का। सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं मानसरोवर और आपको बता दें कि सिटी पार्क का लोकार्पण यहां पर और उससे पहले पार्क का अवलोकन कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें जयपुर से हम आपको दिखा रहे हैं, मानसरोवर की तस्वीरें हैं जहां पर सिटी पार्क का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री और उससे पहले पार्क का अवलोकन करने के लिए पहुंचे हुए हैं मंत्री शांति धारीवाल, इसके साथ ही डॉक्टर सुभाष गर्ग, मंत्री महेश जोशी, विधायक अशोक लाहोटी, रफीक खान, इसके साथ ही मेयर मुनेश गुर्जर, मेयर शील धाबाई और सीएस उषा शर्मा, डीजीपी एमएल लाठर, तमाम जो अधिकारी हैं वो भी यहां पर मौजूद है। और जयपुर से ये सीधी तस्वीरें, गुलाबी नगरी से ये तस्वीरें, गुलाबी नगरी को एक और सौगात मिलने जा रही है आज सिटी पार्क के रूप में। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, एक और सौगात आज जयपुर वासियों को मिलने जा रही है सिटी पार्क के रूप में, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, कितनी देर में लोकार्पण? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीता काट कर जयपुर राइट्स को आज ये बड़ी सौगात दी है। सिटी पार्क का लोकार्पण है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कर दिया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस सिटी पार्क की बड़ी खास बात है कि ये इसको हम ये कह सकते हैं कि इस जो सिटी पार्क जो बनाया गया है वो लंदन में जो पार्क है उनकी तर्ज पर बनाया गया है। और ये सबसे कह सकते हैं कि जयपुर में पहला वर्ल्ड क्लास का ये पार्क होगा। लंदन न्यूयॉर्क के पार्कों की जैसे सिटी पार्क को तैयार किया गया है। लंदन में जो हाइट पार्क है और न्यूयॉर्क में के सेंट्रल पार्क की थीम पर इस पार्क को रेडी किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फीता काटकर इस पार्क को जयपुर राइट्स को आज समर्पित कर दिया गया है। इसमें मंत्री शांति धारीवाल हैं, मंत्री महेश जोशी हैं, आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा हैं, डीजीपी एम एल लाठर हैं, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी जो कह सकते हैं उषा शर्मा है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुंजीलाल मीणा और जो सीएम सेक्रेटरी हैं गौरव गोयल है और आरती डोगरा हैं। ये तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो इस पार्क का अवलोकन है वो कर रहे हैं। खास बात ये है कि जो लोग हैं कल से सुबह से यानी 6 बजे से जब पार्क खुलेगा तो उसमें धीमी मंद मंद आवाज में और कह सकते हैं कि म्यूजिक के बीच में वो अपनी वॉक कर सकेंगे। सेंट्रल पार्क के बाद कह सकते हैं कि ये वो पार्क है जहाँ पर सब अच्छे जो ट्रैक बनाया गया है इस पार्क के अंदर उसमें लोग धीरे धीरे अपना वॉक कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है आप देख रहे हैं अभी इसका विजिट कर रहे हैं। इसमें खास बात है कि 52 एकड़ के अंदर इस जमीन को सिटी पार्क के प्रथम फेज का आज ये लोकार्पण किया गया है। सिटी पार्क में 65 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय जो ध्वज है तिरंगा है वो भी फहराया है। पार्क में जो 17 कह सकते हैं स्ट्रक्चर के जो चिल्ड्रन प्ले एरिया है वो बनाया गया है। मॉर्निंग वॉक के लिए 3.5 किलोमीटर का जो एरिया है वो चिन्हित किया गया है। और जो लोग हैं इसमें घूमते हुए मंदी आवाज में म्यूजिक कानों में उनके सुनाई देगा। जब वो वॉक करेंगे 3.5 किलोमीटर एरिया में तो वो मंद मंद जो म्यूजिक है उसके आवाज के अंदर वो यहाँ दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे। पार्क का देखिए सबसे खूबसूरत जो चीज है वो है यहाँ का आकर्षण का जो केंद्र है वो है इसका एंट्री प्लाजा, जो एक कह सकते हैं कि सबसे जो आकर्षित करता है। जैसे ही आप इस पार्क के अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ का जो भव्य जो एंट्री प्लाजा तैयार किया गया है, साथ में एक वाटर बॉडी भी बनाई गई है। आप फव्वारे भी देख पा रहे हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर अभी विजिट कर रहे हैं। साथ में लोगों को बैठने के लिए इसमें बेंचे और वाटर पॉइंट है वो बनाए गए हैं। इसमें 2 फेज के अंदर इस पार्क का पूरे का निर्माण होगा जिसमें 110 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अभी 52 एकड़ के अंदर ये पार्क है वो तैयार किया गया है। इस तरह का पार्क कह सकते हैं कि वैसे हम जाने यदि ट्रैक के अनुसार जाने तो ऐसा पार्क सेंट्रल पार्क भी है जो लोग सुबह सुबह या शाम है अपनी सेहत बनाने के लिए दौड़ लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस पार्क की जो खास बातें हैं वो कुछ अलग है। इस पार्क को निर्माण करवाया गया था और आज इसका जनता को इसको समर्पित इस पार्क को कर दिया गया है। तो यानी कि आज जयपुर राइट्स को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। बेसब्री से देखिए इसलिए इंतजार था क्योंकि कोविड काल के अंदर जिस तरीके से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, लोगों को अच्छी अब आबो हवा है वो इस पार्क से मिल पाएगी, सुबह शाम वो इस पार्क में आकर घूम पाएंगे। तो लोगों मानसरोवर के जो लोग आसपास के जो लोग रहते हैं उनके लिए आज बड़ा एक खुशी का दिन है क्योंकि बेसब्री से इस पार्क के लोकार्पण का वो इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज वो घड़ी आ गई है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका फीता काट कर है लोकार्पण यहाँ पर किया है। देखिए
बड़ी चीज यह है कि जब सेकंड फेज तैयार होगा इसका तो उसका भी लोकार्पण किया जाएगा, लेकिन फर्स्ट फेज के अंदर जो 3.5 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है, स्ट्रक्चर्स जो तैयार की गई हैं, जो कलाकृतियां बनाई गई हैं अलग अलग, और इसमें म्यूजिक जो आप हैं वो इसमें आपको अभी मन मन आवाज में सुनाई दे रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो इस पार्क की खासियत के बारे में अधिकारियों से फीडबैक ले जानकारी ले रहे हैं कि क्या क्या इसमें क्या कुछ खास बात है जो इस 52 एकड़ एरिया के अंदर इस पार्क को बनाया गया है, क्या लोगों को कितना इसको फायदा होगा, क्या कुछ इसमें चीजें इसमें शामिल की गई है। और सेंट्रल पार्क तक अभी तक अपने नाम सुना हुआ है, जवाहरलाल किले का नाम सुना हुआ, लोगों की सेहत के लिए लोग जो दौड़ लगाते थे, लेकिन अब उस श्रेणी के अंदर जयपुर का सीमांचल रोड में जो सेंट्रल पार्क है वो भी अब यहाँ शामिल हो गया है। यानी कि आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार था और आज वो इंतजार है वो यहाँ खत्म हो गया है। देखिए राजस्थान का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज और मध्यम मार्ग एंट्री प्लाजा का जो भव्य स्टील जो स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो यहाँ का आकर्षण का केंद्र है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देखिए आप लगातार विजिट कर रहे हैं, इसके बाद वो गोल्फ कार्ट में बैठेंगे और गोल्फ कार्ट में बैठकर इस पूरे जो कह सकते हैं कि पार्क का विजिट करेंगे। अधिकारी हैं उसमें, मंत्री हैं, विधायक हैं, तमाम वो लोग हैं जो गोल्फ कार्ट के अंदर इस पार्क को अब सफर करेंगे। तो आप देखिए कि फीता काट के लोकार्पण कर दिया गया है, गोल्फ कार्ट तैयार है, मुख्यमंत्री खुद एंट्री गेट से जहां फीता काटा उससे आगे से इस पार्क को देखते हुए, क्योंकि 32 प्रजातियों के यहां पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं, अलग अलग प्रजातियों के यहां पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं, 213 फीट का राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर लगाया गया है। साथ में यहाँ पर देखिए इसके निकट जो पास में है 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में मनोरम लोअर लेक इस पार्क की प्रमुख विशेषता भी यहाँ पर रहेगी। पार्क में 20 फुट और 3.5 किलोमीटर लंबा जॉकिंग ट्रैक जो मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि कल से लोग यहाँ दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे और जिस पर भ्रमण करते हुए लोग आकर्षक लाइटिंग और म्यूजिक का भी शाम को आनंद ले सकेंगे। इसमें देखिए पार्क में जो विशिष्ट कलाकृतियां हैं उसमें उसका अनूठा संसार है वो यहाँ पर लगाया गया है। तो आज का दिन अभी देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो अब से कुछ देर में गोल्फ कार्ट में विजिट करेंगे, यहाँ की वो यहाँ की चीजों को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 17 विशिष्ट जो कलाकृतियां जो स्ट्रक्चर्स जो लगाए गए हैं, टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए गए हैं, पार्किंग की जगह यहाँ पर बनाई गई है, साथ में ऑक्सी हब, रॉक फाउंटेन, बैठने के लिए आकर्षक बेंच हैं, आरओ प्लांट, वाटर प्लांट यहाँ पर लगाए गए हैं और प्रथम चरण में 61.5 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है इसको तैयार करवाने के अंदर, और कुल कह सकते हैं कि जो इसमें कह सकते हैं कि इसमें से करीब 55 करोड़ रुपए अभी तक इसमें इस कार्यों को पूरा करने में लगा है। यानी कि दूसरे चरण के अंदर जो मैं बता रहा था कि फर्स्ट फेज का आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकार्पण किया है, सेकंड फेज के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो दूसरे चरण में इसमें फाउंटेन स्क्वायर, वीसी रोड पर, अरावली मार्ग और न्यू सांगानेर रोड पर जो एंट्री प्लाजा बनेंगे, बॉटनिक गार्डन जो बनेगा, एक्सपोजिशन ग्राउंड बनेगा, जयपुर चौपाटी की तट पर फूड कोर्ट का निर्माण होगा और करीब 2500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के अंदर एरिया के अंदर अपर लेके कार्य है उसका निर्माण होगा, जिसका जिस पर करीब 59 करोड़ रुपए है वो खर्च होगी। देखिए जिस तरीके से आवासन मंडल आयुक्त हैं पवन अरोड़ा हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तमाम मंत्री ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से इस पार्क के बनने से और इस पार्क को लोगों को समर्पित करने से यहाँ की आबो हवा और जो स्वच्छ आबो हवा है वो मिलेगी, क्योंकि इस पार्क का जो निर्माण किया गया है वो 52 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है इस पार्क को, और यहाँ पर जो मानसरोवर और इसके आसपास के जो आसपास की कॉलोनियों में लाखों लोग बसे हुए हैं और लाखों लोगों में हालांकि अक्सर देखा जाता है कि जब फैसिलिटीज की जमीनें छोड़ी जाती है तो उसमें पार्क विकसित कर लिए जाते हैं, लेकिन अभी तक छोटे छोटे पार्क थे, लेकिन अब जयपुर की जनता को बड़ा पार्क है वो समर्पित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो गोल्फ कार्ट में बैठ चुके हैं और इस पार्क का वो जो विजिट है जो मैं बता रहा था करीब 3.5 किलोमीटर का जो ट्रैकिंग चौक बनाया गया है उसमें ट्रैकिंग जो लोग करेंगे वो उसका विजिट करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो नजर आ रहे हैं। तो यही तस्वीरें जयपुर की आज देखने को मिल रही है कि आज जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं तो उन्होंने आज जयपुर राइट्स के लिए, जयपुर वासियों के लिए पार्क यहाँ समर्पित लोगों के लिए कर दिया है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस पार्क के अंदर इसकी आबो हवा स्वच्छ आबो हवा लोगों को मिले इसके लिए यहाँ पर
25 विभिन्न प्रजातियों के 25,000 फूलदार और फलदार जो पौधे हैं, 40,000 फुलवारी हैं वो लगाई गई है। जापानी मियावाकी जो पद्धति से इसका पौधा रोपण किया गया था, जब इसका लेकिन शिलान्यास हुआ था, जब इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी कि किस तरीके से इस पार्क को विकसित करना है, किस तरीके से यहाँ पर लोगों को स्वच्छ आबो हवा मिल सकती है, तो उस समय लोगों को प्रेरित किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्लांटेशन करें। इसके लिए कैंप, अलग अलग स्कीम्स बनाई गई थी, स्रोत बुक किए गए थे, क्योंकि बड़ा क्रेज लोगों में देखने को मिला था पौधारोपण को लेकर। और आज देखिए जो पौधा लगाया गया था वो आज बड़ा हो गया है, लोगों को आज समर्पित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आप देख पा रहे हैं, आगे पवन अरोड़ा आवासन मंडल आयुक्त है, पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं गोलघाट के अंदर, साथ में मंत्री महेश जोशी हैं, शांति धारीवाल हैं, वो विजिट कर रहे हैं इस पार्क की खूबसूरती, इस पार्क की किस तरह के पेड़ पौधे यहाँ लगाए गए हैं, किस तरह की लाइटिंग, किस तरह का म्यूजिक, किस तरह के मियावाकी पद्धति के पौधे, किस तरह का ट्रैक और तमाम जो चीजें स्ट्रक्चर तो ये जो लगाए गए हैं, किस तरीके से लोग हैं आनंद ले पाएंगे, यानी कि आप देखिए ये एक अनूठा पार्क होगा। हालांकि इसका जो ट्रैक है वो करीब 3.5 किलोमीटर का है, तो लोग जब सुबह क्योंकि कोविड के बाद लोगों में जागरूकता बढ़ी है कि वो अपने सेहत के प्रति लोग जागरूक हुए हैं, तो ऐसे में बिल्कुल सेहत के प्रति जागरूक हो, इसके साथ ही शुद्ध हवा उन्हें मिल पाए, इसको लेकर भी ट्रैक यहां पर और ये पार्क बनाया गया है दीपक, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं। और तस्वीरें भी बेहद खूबसूरत यहां से सामने आई है, बेहद खूबसूरत यहां पर लाइटिंग्स देखने को मिल रही है, खूबसूरत इमारत यहां पर जो स्ट्रक्चर्स है वो तैयार किए गए हैं। और इसके साथ ही जैसा कि दीपक आपने जिक्र किया जवाहर सर्कल पार्क का, या फिर अगर सेंट्रल पार्क की बात की जाए तो उसका, तो ऐसे में जवाहर सर्कल की अगर बात की जाए तो ऐसे में म्यूजिकल जो फाउंटेन वहां पर लगाया गया है, जिसको दर्शक भी और जो पर्यटक है वो भी बड़ी संख्या में देखने के लिए आते हैं, तो क्या यहाँ पर भी कुछ इस तरीके की तैयारी, या फिर ओपन जिम को लेकर भी कुछ इस तरीके की तैयारी देखने को मिलेगी? देखिए जिस तरीके से मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो विजिट कर ही रहे हैं, साथ में बड़ी बात ये भी है कि ये पार्क है, मैं लगातार आपको बता भी रहा हूँ कि इस पार्क की खासियत है कि जयपुर का सेंट्रल पार्क एक लोगों की पहचान बन चुकी थी, लोग अपनी सेहत, अपनी दौड़, स्वच्छ आबो हवा लेने के लिए सेंट्रल पार्क में दौड़ लगाते हुए आपको नजर आ जाते थे। साथ में जब कोविड आया तो लोग सेहत के प्रति और जागरूक हो गए, लेकिन सेंट्रल पार्क और जवाहर सर्किल पर वो चीजें जो सिटी पार्क में देखने को मिलेगी वो चीजें वहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ ये लंदन और न्यूयॉर्क की जो तर्ज पर जो पार्क बने हुए हैं उस तर्ज पर इस पार्क को विकसित किया गया है। अलग अलग प्रजाति के जो पौधे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री की मंशा थी कि जयपुर वासियों को शुद्ध हवा मिलनी चाहिए और ऐसा पार्क होना चाहिए कि जो लोग, जो पर्यटक, जो कह सकते हैं कि फॉरनर्स जो आते हैं वो इस पार्क को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो, और न्यूयॉर्क और जो लंदन की तरह जिस तरीके से पार्क है उसकी तर्ज पे बनाना चाहिए कि जो जैसे ही वो एक बार देखे तो लोगों को पता चले कि जयपुर में भी इस तरह का पार्क है। आप जो अभी तस्वीरें देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो अभी कह सकते हैं कि गोल्फ कार्ट के अंदर सफर कर रहे हैं, इस पार्क को करीब जो ट्रैक बनाया गया है उस पर वो गोल्फ कार्ट के जरिए चले हैं, जिसमें आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा हैं, वो उनको जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीरें फाउंटेन की हैं, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फाउंटेन का भी विजिट कर रहे हैं कि किस तरीके के यहाँ फाउंटेन लगाए गए हैं। तो आज का दिन बड़ा बेहद है, क्योंकि दिवाली से पहले जयपुर राइट्स को ये बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फीता काट कर यहाँ पर दिया है, और लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से इस पार्क की खूबसूरत है, और इस पार्क को में जब लोग कल सुबह से जब घूमने आएंगे तो लोगों को एक स्वच्छ आबो हवा मिलेगी, क्योंकि लोगों कोविड के समय लोग समझ चुके हैं कि हमें ऑक्सीजन अब की कितनी जरूरत है, ऑक्सीजन की कितनी जरूरत है, और वो पेड़ पौधे दे सकते हैं। तो इस तरह का जयपुर में, क्योंकि देखिए लगातार आबादी विस्तार है वो बढ़ता जा रहा है, आबादी बढ़ती जा रही है और आबादी के साथ पार्क है वो सिकुड़ते जा रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी बिल्कुल बड़ी आबादी के बीच एक और उन्हें बड़ा यहाँ पर विशाल जो पार्क है वो बेहद खूबसूरत पार्क की सौगात जयपुर वासियों को मिली है। दीपक इसके साथ ही एक और जानकारी जो कि बेहद अहम है जयपुर वासियों के लिए भी, वो भी जरा आपसे चाहूंगी, ये जो सिटी पार्क है ये एग्जैक्टली किस जगह पर है, ताकि
जयपुर वासियों को पता चले कि किस जगह पर ये पार्क है, ताकि वो इस पार्क का जो लाभ है वो भी उठा सके? देखिए, इस पार्क को सिटी पार्क का नाम दिया गया है। ये मानसरोवर में मध्यम मार्ग पर इसको बनाया गया है, 52 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। लंदन के जो व्हाइट पार्क और न्यूयॉर्क के जो सेंट्रल पार्क की थीम पर इसको विकसित किया गया है। इसमें पार्क में हॉर्टिकल्चर पार्क, सिविल पार्क, जॉगिंग ट्रैक है वो बनाए गए हैं, और करीब कह सकते हैं कि इसके अलावा पत्थर और मेटल की करीब 17 विशिष्ट जो कलाकृतियां हैं, जो स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं, पार्किंग है, ऑक्सी हब है, रॉक फाउंटेन है, बैठने की आकर्षक जो बेंचे हैं वो यहाँ पर लगाई गई है। तो ये मानसून, यानी कि मानसून, देखिए तो जयपुर वासियों को सिटी पार्क की सौगात यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत ने दी है। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो बेहद खूबसूरत एक पार्क जो है सिटी पार्क के रूप में जयपुर वासियों को आज सीएम की तरफ से, सरकार की तरफ से सौगात में मिली है। चलिए।